शारदीय नवरात्र का आज अंतिम दिन है। सुबह से ही मंदिरों में धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं, तो वहीं भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आज महिला सफाईकर्मी का सम्मान किया गया। महिला कर्मियों को माता की चुनरी और मुकुट पहनाया गया और श्रीफल के साथ कांग्रेस का वचन पत्र भी दिया गया। इस मौके पर कांग्रेस प्रवक्ता प्रवीण धौलपुर का कहना है कि कोरोना काल की संकट परिस्थितियों में सफाईकर्मियों ने दिन रात मेहनत कर देश प्रदेश को कोरोना महामारी से बचाया है। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। देखिए, इस कार्यक्रम का सर्वे की उद्देश्य है कि जिस तरह से सफाई कर्मचारी महिलाओं ने पूरे देश और प्रदेश में एक स्वच्छता कवच के रूप में प्रदेशवासियों को देशवासियों को बचाने के लिए कोविड महामारी के दौरान कार्य किया है, क्योंकि ये भी हमारे देवी स्वरूप हैं, इन्होंने मुश्किल और विपरीत परिस्थितियों के अंदर कार्य किया है, तो इसलिए उनका आज अभिनंदन और सम्मान किया गया है। और जैसा कि आपको मालूम है कि पूर्व में आदरणीय कमलनाथ जी की जब कांग्रेस सरकार थी, तब सफाई कर्मचारियों को नियमित करने के लिए जो वचन पत्र में बिंदु दिया गया था उस पर कार्य चल रहा था। चूँकि 15 माह के कार्यकाल के दौरान वो फाइल विचाराधीन थी, कार्य उस पर चल रहा था, तो अचानक से जिस तरह से असत्यवादी लोगों ने जिस तरह लोकतंत्र का चीरहरण करके सरकार को गिराने का प्रयास किया था, इस कारण से इन सफाई कर्मचारी महिलाओं का काफ़ी नुकसान हुआ और इनके जो नियमितीकरण का कार्य चल रहा था उसमें बाधा आई है। और अभी चूंकि उपचुनाव चल रहा है, 28 विधानसभाओं में उपचुनाव है, उस दौरान कमलनाथ जी ने चूंकि वो हमेशा दलित पिछड़े और शोषितों की बात को सुनते हैं और उस पर कार्य करते हैं, तो हमारे जो वचन पत्र में इसमें ये बिंदु दिया गया है कि कई वर्षों से जो सफाई कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनको नियमित किया जाएगा, तो इसी मंशा के साथ हमने इन महिलाओं का सम्मान किया और हम इस बात के लिए वचनबद्ध हैं कि जब भी सरकार कांग्रेस की आएगी तो उनको नियमित किया जाएगा, इनके अधिकारों की रक्षा की जाएगी। देखिए, धर्म की राजनीति तो भाजपा करती है, हमने तो कोविड के दौरान इन्होंने जो कार्य किया उसका उनको सम्मान दिया है, और साथ में जो लगातार सामने वाली पार्टी घोषणाएं करती है, हम तो वचन के साथ कार्य कर रहे हैं, और जिसका जीवंत उदाहरण कर्ज माफ़ी आपने देखा होगा विधानसभा में दिया था, तो इसलिए हमने वचन पत्र दिया है कि हम लोग वचनबद्ध हैं और वचन दिया जाता है निभाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। होशंगाबाद।